Children, we had done the permanent settlement of 1793, the Mahalwari system. Now we will start with the Rotwari system. और आगे start करने से पहले अगर आपको कोई भी doubt है in this chapter, जितना भी मैंने cover करा, तो you are free to ask. Okay? Now coming to Rotwari system. Thomas Munro was the man behind the introduction of Rotwari system. So who introduced the Rotwari system? Thomas Munro. It was introduced in parts of Madras and Bombay presidencies. Ye kahan pe introduce hua? In parts of Madras or Bombay ki presidencies pe. Under this, the company made a revenue settlement directive with the Roth or peasant. The farmer was the owner of to the land as long as he paid the land revenue. Also, the revenue was fixed according to the fertility of the soil. अब इस रोतवारी सिस्टम के अंदर में था क्या? इसमें कंपनी रेवेन्यू सेटलमेंट बनाती थी डायरेक्टली पीजेंट के साथ. पीजेंट को रोत भी बोला जाता था. और परमानेंट सेटलमेंट में वो ज़मींदार के साथ करती थी. इसमें वो डायरेक्टली पीजेंट के साथ ही सेटलमेंट करती थी रेवेन्यू का. द फार्मर वॉज द ओनर ऑफ द लैंड. फार्मर ही ओनर था लैंड का जब तक, एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू, जब तक वो अपना लैंड रेवेन्यू देते रहेगा. ऑल्सो द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और रेवेन्यू को किस बेसिस पे फिक्स करा गया था? अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. नाउ कमिंग टू इम्पैक्ट ऑफ एग्रेरियन पॉलिसीज. इम्पैक्ट क्या था इन पॉलिसीज का? हमने तीन पॉलिसीज पढ़ी हैं, उन तीन पॉलिसीज का इम्पैक्ट पढ़ेंगे अब हम. द ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज हैड अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स. सो ये जो एग्रेरियन पॉलिसीज थी, एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज थी, इनका बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीजेंट्स. जो पीजेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशंस थी उन पर बहुत गंदा असर हुआ था. लैंड नाउ बिकेम अ सेलेबल कमोडिटी विच कुड बी बॉट, सोल्ड और मॉर्टगेज. This had a deep impact on the rural life and economy. Now, before the British rule, land कोई saleable commodity नहीं था, पर अब land एक saleable commodity बन गया था जिसको कोई भी खरीद सकता था, बेच सकता था या mortgage भी हो सकता था. और यही impact बहुत था rural life और economy पे. इसी का ही बहुत बड़ा impact था rural life पे और इकोनॉमी पे. नाउ कमिंग टू डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीजेंट्री. अब कैसे जो पीजेंट्री थी उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती जा रही थी. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मोस्ट पीजेंट सर्वाइव्ड ऑन वेरी स्मॉल इनकम्स. ब्रिटिश रूल पे जो पीजेंट्स थे वो बहुत कम सैलरी पर ही सर्वाइव करते थे. The company's revenue demands, failure of crops and costly social customs such as marriages and festivals often forced the peasants to either sell part of their land or borrow money from the village money lender. अब उस time पे जो peasants थे वो बहुत छोटी income पर भी survive करते थे, पर उनको अब revenue भी भरना था, कई बार failure of crop भी हो जाता था, और वो अपने सोशल कस्टम्स सच एज मैरिज और फेस्टिवल्स भी निभाते थे जो बहुत कॉस्टली हुआ करती थी. तो अब इतना सब कुछ उनको अगर करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए होता था, पर उनके पास पैसा बहुत कम होता था. तो वो क्या करते थे? दे वर फोर्स्ड टू आइदर टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड और बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर. अब या तो वो अपना एक छोटा सा पार्ट लैंड का बेच सकते थे या वो पैसा बोरो कर सकते थे मनी लेंडर से. उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, क्योंकि उनको रेवेन्यू भी भरना था, कई बार फेलियर ऑफ क्रॉप भी हो जाती थी, और उनको अपने सोशल कस्टम्स भी निभाने थे जैसे सच एज मैरिजेज एंड फेस्टिवल्स जो बहुत कॉस्टली होते थे.
Since the peasants considered their land as their mother, they almost always refused to sell it. अब जो peasants थे, जो farmers थे, वो अपने land को, अपनी ज़मीन को अपनी माँ की तरह treat करते थे. They had very much love for their land. और एक aesthetic quality भी दी गई थी land को, तो वो जल्दी sell नहीं करते थे. तो उनके पास ज़्यादातर चारा यही था कि वो पैसा बोरो कर ले मनी लेंडर से. द मनी लेंडर मॉर्टगेज द लैंड ऑफ द पीजेंट एंड चार्ज्ड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब मनी लेंडर मॉर्टगेज करता था लैंड को और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था. वंस इन डेब्ट मोस्ट पीजेंट्स वर अनेबल टू रीपे द मनी. और एक बार कोई पीजेंट डेब्ट में फंस गया, उधार में चला गया, तो वो निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि उसका लैंड भी मॉर्टगेज हो गया और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पड़ रहा है उसको. सो द मॉर्टगेज लैंड वॉज टेकन अवे बाय द मनी लेंडर. और अब जब वो पैसा नहीं दे पा रहा था तो जो मॉर्टगेज लैंड थी वो मनी लेंडर ले लेता था. वंस लैंडलेस द पीजेंट फाउंड इट इम्पॉसिबल टू सपोर्ट द फैमिली. और अब जब उसके सोर्स ऑफ लिविंग ही ले लिया गया, उससे उसका लैंड ही ले लिया गया, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल था. उसके वो सपोर्ट ही नहीं कर सकता था अपनी फैमिली को, कैसे वो घर चलाएगा. अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट सर्वे इन द मिड 19th सेंचुरी 8 out of every 10 पीजेंट्स हैड अनपेड डेट्स. तो एक सर्वे जो निकाला गया था मिड 19th सेंचुरी में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 10 पीजेंट्स ले रहे हो उसमें से 8 उनकी अनपेड डेट्स थी, मतलब वो मनी लेंडर से पैसा ले चुके थे. दे हैड अनपेड डेट्स, उनको अपना पैसा चुकाना था अभी. सो दिस पैराग्राफ शोज अस कि अगर एक बार पीजेंट डेट में आ गया तो उसके लिए उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता था. वी विल डू टिल हेयर ओनली एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो. और आपके पास अगर कोई भी डाउट है, आपको कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो यू आर फ्री टू आस्क. आपको किसी से शर्माने की ज़रूरत है ही नहीं, हिचकिचाने की ज़रूरत है ही नहीं.